जैसे ही नॉर्मल हुआ तो आरजीसीपी का इंटरलॉक जो कॉमन ब्रांच पर लगा हुआ था कंप्रेसर कॉन्टेक्टर की, वो फिर से क्लोज हो जाएगा। जो भी कंप्रेसर हमने सेलेक्ट कर रखे थे उनके कॉन्टेक्टर को सप्लाई सीपी की पोजीशन के अनुसार उनके कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी और वो कॉन्टेक्टर फिर से क्लोज हो जाएगा। जैसे ही वो कॉन्टेक्टर क्लोज होगा पर्टिकुलर वो कंप्रेसर काम करना शुरू कर देते, फिर से कंप्रेसर चलेंगे, फिर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, प्रेशर बनेगा तो एमआर टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब फिर 9.5 kg 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होगा तो वैसे फिर आरजीसीपी ऑपरेट होगा, फिर इंटरलॉक खुलेगा, फिर कॉन्टेक्टर ड्रॉप होंगे और फिर कंप्रेसर काम करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आरजीसीपी के द्वारा कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर को क्लोज करवाकर और ओपन करवाकर कंप्रेसर को चलाया या बंद कराया। तो 9.5 kg होने पर कंप्रेसर काम करना बंद कर देते हैं, वापस 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एमआर प्रेशर होने पर कंप्रेसर दोबारा काम करना चालू कर देते। और वहीं आपने देखा था बीएल स्विचेस में बीएलसीपी के बाजू में एक बीएलसीपीडी लगा था, तो अगर आपने कभी बीएलसीपीडी ऑन कर दिया तो बीएलसीपीडी ऑन करने से जो बीएलसीपी की इसकी कंप्रेसर कॉन्टेक्ट की कॉमन ब्रांच के ऊपर जो आरजीसीपी का इंटरलॉक था जिसके खुलने बंद होने से कॉमन ब्रांच तक सप्लाई आती थी उसके पैरेलल में बीएलसीपीडी का इंटरलॉक है तो वो आरजीसीपी को बाईपास कर देता। अब आरजीसीपी खुले या बंद हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लगातार सप्लाई एमसीपी कॉन्टेक्टर की कॉमन ब्रांच पर आती रहेगी। एचसीपी की पोजीशन के अनुसार जिन भी कॉन्टेक्टर को आपने सेलेक्ट किया वो कॉन्टेक्टर हमेशा पिकअप बने रहेंगे, यानी लगातार लोडिंग चलती रहेगी, अनलोडिंग नहीं होगी। जो इमरजेंसी रिजर्वायर का प्रेशर बताता रहता कि बेबी कंप्रेसर चलाकर हमने कितना प्रेशर बना लिया, तो प्रेशर अगर हम इनिशियल लोगों पर जा रहे हैं प्रेशर जीरो है तो हमें लोको एनर्जाइज करने के लिए पेंटो रेस करने और डीजे क्लोज करने के लिए कल अपनी चर्चा हुई थी मिनिमम कितने प्रेशर की आवश्यकता होती, 6.5 kg प्रेशर, ठीक है। तो गेज में देख लें अगर हम लोको पर पेंटो रेस करना है डीजे क्लोज करना है तो जब हम बेबी कंप्रेसर चलाएं तो ईआर के अंदर 6.5 kg प्रेशर बन जाने के बाद ही हम ZPT लगाकर पेंटो को रेस करें और डीजे को क्लोज करें। क्लियर है? उसके बाद यही आप देखें ZCPA, CPA यानी कंप्रेसर ऑक्सिलरी, यही MCPA जिसे बोलते हैं वो मोटर थी ऑक्सिलरी कंप्रेसर की और ये उसका स्विच है, Z या H लग गया तो स्विच हो गया। ऑक्सिलरी कंप्रेसर का स्विच तो आपको बता रहा TPN1 में ही मिलता है। HBA ऑन करने के बाद जब हम इस ZCPA को ऑन करेंगे तो कम बेबी कंप्रेसर जो MCPA है उस मोटर को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी और बेबी कंप्रेसर काम करना शुरू कर देता है। जब वो काम करना शुरू कर देगा तो ईआर टैंक के अंदर हमारा एक इमरजेंसी रिजर्वायर के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। दो पोजीशन वाला स्विच है 0 और 1, 0 पोजीशन पर ऑफ, 1 पर रखा तो ऑन, ठीक। इसके अलावा इसी के अंदर आप देखें VPT1, ये कहां है TPN1 कैप 1 में है, तो कैप 1 के ऊपर का पेंटो कौन सा कहलाता है, पेंटो नंबर 1, और उस पेंटो का जो मैग्नेट वाल्व है इलेक्ट्रो वाल्व तो वो क्या कहलाएगा, VPT नंबर 1। तो कैप 1 वाले पेंटो का जो मैग्नेट वाल्व है वो कहां लगा हुआ है, इसी TPN1 में, ये लगा हुआ है VPT1। और कैप 1 साइड के जो सेंडर्स मैग्नेट वाल्व है VESA1 एंड VESA2 सेंडर्स इलेक्ट्रो वाल्व वो भी यही TPN1 के अंदर मिलते हैं। कैप 1 साइड के जो सेंडर्स हैं उनके जो मैग्नेट वाल्व सेंडर मैग्नेट वाल्व जो आपके डीजल लोको में कहां रहते हैं, फुट प्लेट में नीचे, फुट प्लेट के नीचे लगे हुए नहीं एंडर ट्रक में, वो यहां ऊपर लगे रहते हैं। कैप 1 साइड के जो मैग्नेट वाल्व है वो TPN1 में VESA1 VESA2 या हमने आपको बताया था कैप मॉडिफाई हो गई तो ये सेंडर्स ये मैग्नेट वाल्व दोनों है ये कैप 1 के पीछे दीवार पर आ गए, जो VPT वाल्व था वो कैप 1 के पीछे दीवार पर आ गया।
तो इतनी सारी चीजें हमें मिलती हैं टीपीएल 1 के अंदर। एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं, सीपीए यानी बेबी कंप्रेसर या ऑक्सिलरी कंप्रेसर, इसको चलाने की मोटर एमसीपी कंबाइंड यूनिट, इसी का सेफ्टी वाल्व जो 8.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेट रहता है, इमरजेंसी रिजर्वायर जिसमें हम इमरजेंसी प्रेशर बनाकर रखते हैं, प्रेशर देखने का गेज, आरएएल का इस इमरजेंसी रिजर्वायर के प्रेशर को सिस्टम में पहुंचाने वाली काप, ये काप अगर बंद रह गई तो इमरजेंसी रिजर्वायर का प्रेशर सिस्टम में नहीं रहेगा। इसके अलावा आरजीसीपी और इसका आइसोलेटिंग का, तो आरजीसीपी जैसा हमारे डीजल लोको में ईपीजी का प्रेशर गवर्नर था सेम वही है, वहां उसकी सेटिंग 8 to 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती थी, यहां इसकी सेटिंग 8 to 9.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आरजीसीपी ऑपरेट होकर कंप्रेसर की सप्लाई कट ऑफ करते हैं, कंप्रेसर काम करना बंद कर देते हैं, और 8 केजी आने पर फिर से आरजीसीपी नॉर्मल होकर कंप्रेसर की सप्लाई कंटिन्यू करता है उसके कंटेक्टर की, तो फिर से कंप्रेसर काम करना चालू कर देते। अगर ये आरजीसीपी कभी खराब हो जाए तो उसे बाईपास करने के लिए, उसका आइसोलेट करने के लिए आरजीसीपी का एक न्यूमेटिक आइसोलेटिंग पाक भी है, या बीएलसीपीडी ऑन कर देते हैं तो भी ये इलेक्ट्रिकली बाईपास हो जाता है। न्यूमेटिकली बाईपास करना है तो ये आरजीसीपी का आइसोलेटिंग पाक प्रोवाइडेड है इसी के ऊपर, इसे बंद कर देंगे तो हवा की सप्लाई इसमें जाना बंद हो जाए, प्रेशर मिलेगा ही नहीं, तो हमेशा ड्रॉप भी पड़ा रहेगा, हमेशा लोडिंग ही चलती रहेगी। उसके अलावा इस ऑक्सिलरी कंप्रेसर को चलाने का स्विच ZCP है, वो भी इसी कंपार्टमेंट के अंदर मिलता है, दो पोजीशन वाला स्विच है, देखें 0 और 1, 0 पोजीशन ऑफ पोजीशन है, नॉब को घुमाकर 1 पोजीशन पर रखेंगे तो सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी ऑक्सिलरी कंप्रेसर को और कंप्रेसर काम करेगा, और ये कंप्रेसर जो है ये बैटरी की सप्लाई से चलता है, और बैटरी की सप्लाई लेने के लिए HDA का ऑन होना जरूरी है। इसके अलावा सेंडर्स कैप वन साइड के सेंडर्स के मैग्नेट वाल्व VESA1 VESA2 और उनके कटआउट का, ये दोनों भी इसी TPN1 के अंदर मिलते हैं, और टेंटो नंबर 1 का इलेक्ट्रो वाल्व वो भी इसी TPN1 के अंदर मिलता है, VEPT1 कहलाता है, वो भी यही इसी TPN1 के अंदर लगाकर रखा गया। तो ये TPN1 के अंदर का सामान है, इसमें कोई डाउट हो किसी का, कोई सवाल है तो पूछे। जो भाई लोगों का ऐसे ही मिलता है yes, sir. कुछ और मिलता है? सेम रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रो वाल्व सेंडर के मैग्नेट वाल्व देखे, जब सेंडर पुश बटन दबाते हो आप तब वो ऑपरेट होकर के हवा भेजते हैं सेंडर ऑपरेशन के लिए, तो वही है ये, जब सेंडर पुश बटन यहाँ भी प्रेस किया जाता है तो ये इलेक्ट्रो वाल्व है, देखो ये इलेक्ट्रिक जो दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई के सिंबल है, ये जो दिख रहे हैं बिजली की सप्लाई मिलेगी तो वाल्व ऑपरेट होगा, और ये जो हवा आ रही है उस हवा को जाने का रास्ता देगा ताकि वो सेंड को गिरा सके। इसी तरीके से VPT वाल्व है, जो हम यहाँ से हवा भेजते हैं इमरजेंसी रिजर्वायर से, ये हवा जो है ये VPT वाल्व के ऊपर जाकर रुकी रहती है, जब तक ये VPT वाल्व ऑफ इनर्जाइज नहीं होगा, कब होगा, जब हम ZPT को 0 से हटाकर 2 पोजीशन, कैप 1 में खड़े हैं तो 2 पर, ठीक है, रखेंगे तो ये VPT1 वाल्व को सप्लाई मिलेगी, और सप्लाई मिलेगी तो वाल्व ऑपरेट होगा, जो हवा इस वाल्व तक आकर रुकी थी उसको आगे जाने का रास्ता देगा, वो हवा थ्रॉटल वाल्व से होती हुई पेंटो की सर्वो मोटर में जाएगी और 3 स्टेज में पेंटो को उठा देगी। तो जैसे अपने डीजल लोको में मैग्नेट वाल्व इलेक्ट्रो वाल्व लगे हुए हैं, सेम वही इलेक्ट्रो वाल्व इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व चाहिए, बिजली की सप्लाई से ऑपरेट होते हैं और हवा को जाने का रास्ता देते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं TPN2। तो ये है TPN2, इसके अंदर हमने आपको बताया था कि IRAB1 ब्रेक सिस्टम जो हमारा WD5 लोको में काम करता है, उस ब्रेक सिस्टम के वाल्व्स लगाकर रखे गए, कहां रहता है ये इलेक्ट्रो वाल्व है, जैसा आपने डीजल लोको में अगर पढ़ा हो D1 इमरजेंसी पायलट वाल्व के बारे में कोई जानता है?
यदि डायनेमिक ब्रेकिंग के साथ लोको ब्रेक लगा दिए जाए तो D1 इमरजेंसी पायलट वाल्व है जो लोको ब्रेक को रिलीज करवा देता है, या फुट पैडल दबाते हैं हम तो D1 इमरजेंसी पायलट वाल्व ऑपरेट होता है और कंजक्शन के ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। ऐसा पढ़ा है कि पढ़ा है तो वही है ये, यहां उसे बोलते हैं SWC सिंक्रोनाइजिंग वर्किंग कटऑफ। अगर आपने कंजक्शन में लोको ब्रेक लगे थे, ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 1 kg से ज्यादा है और डायनेमिक लगा दिया तो ये वाल्व ऑपरेट होकर ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रिलीज करवाने का काम करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कन्वेंशनल लोको में डायनेमिक ब्रेक के साथ लोको ब्रेक का इस्तेमाल कभी नहीं करते, अदरवाइज व्हील स्किड हो जाते हैं। तो व्हील स्किड बचाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन है कि लोको ब्रेक के साथ डायनेमिक ब्रेक या डायनेमिक ब्रेक के साथ लोको ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हम डायनेमिक ब्रेक का इस्तेमाल A9 के साथ करते हैं, ट्रेन ब्रेकिंग करके लोड को बंच करते हैं फिर डायनेमिक लगाते हैं, और जब हम A9 का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान कंजक्शन के लोको ब्रेक आ जाते हैं और उसी के साथ हमने डायनेमिक लगा दिया तो कंजक्शन के लोको ब्रेक भी लगे और डायनेमिक ब्रेक भी लगा तो भी व्हील स्किड हो सकते हैं, तो उस दौरान यह मैग्नेट वाल्व ऑपरेट होता है SWC और यह कंजक्शन के लोको ब्रेक को रिलीज करवाता है। उसके बाद F1 सिलेक्टर वाल्व, सभी को मालूम है ब्रेक सिस्टम के अंदर इसका क्या काम है, मल्टीपल लोको चलाते समय लीडिंग लोको से ट्रेलिंग लोको में लोको ब्रेक लगाने और रिलीज करवाने में मदद करता है। सिंगल लोको में इसका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन जब हम मल्टीपल लोको काम कर रहे हैं तो मल्टीपल लोको में लोको पायलट जो भी ऑपरेशन करता है वो कहां से करता है, लीडिंग लोको से। तो लीडिंग लोको से जब भी लोको ब्रेक लगाए जाए तो लीडिंग लोको में तो लगे ही लगे, साथ में ट्रेलिंग लोको में भी लगे, उसके लिए ये F1 सिलेक्टर वाल्व है। या लीडिंग लोको में कंजक्शन के लोको ब्रेक लग रहे हैं तो लीडिंग लोको में तो लगे, साथ में ट्रेलिंग लोको में भी कंजक्शन के लोको ब्रेक लगे, तो उसके लिए F1 सिलेक्टर वाल्व। सिंगल लोको में इसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल लोको में ट्रेलिंग लोको के लोको ब्रेक लगाने और रिलीज करवाने में होता है, चाहे वो हम इंडिपेंडेंट लोको ब्रेक लगा रहे हो या कंजक्शन के लोको ब्रेक लगा, दोनों स्थिति। बात समझ में आई? ये अपने डीजल लोको में भी होता है F1 सिलेक्टर वाल्व, सभी ने सुना होगा, जो काम करते हो उन्होंने देखा भी होगा। उसके बाद MU2B वाल्व, IRAB वाल्व सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाल्व है। जिस लोको से हमें ब्रेक सिस्टम को चार्ज करना है उस लोको में MU2B वाल्व को हमेशा, कितनी पोजीशन होती है इसकी, कौन कौन सी, लीड और ट्रेल। तो जिस लोको से ब्रेक सिस्टम चार्ज करना है उसमें हमेशा MU2B वाल्व लीड पर रखा जाता है। अगर हम मल्टीपल लोको चला रहे हैं, एक से ज्यादा लोको है, तो हमेशा लीडिंग लोको का MU2B लीड पर रहेगा और जितने भी ट्रेलिंग लोको जुड़े उन सबका MU2B वाल्व हमेशा ट्रेल पर रखा जाता है। अगर हम इसे लीड पर रखना भूल जाए तो हमारा ब्रेक सिस्टम चार्ज ही नहीं होता, ना तो इंडिपेंडेंट लोको ब्रेक काम करेंगे और ना ही A9 से BP चार्ज होगा या दो पोजीशन वाला वाल्व है, लीड एंड ट्रेल, ट्रेल के साथ ट्रेल ऑब्लिक डेड लिखा रहता है। तो यदि हम कोई लोको किसी वर्किंग लोको के साथ डेड अटैच करते हैं तो उस भी उसमें इसे ट्रेल पोजीशन पर ही रखना पड़ता है। इसके बाद RGB, अभी इसकी बात हुई थी अपनी, RGB ऑटो फ्लैशर के दौरान चर्चा की थी अपन ने, इमरजेंसी ब्रेकिंग रेगुलेटिंग गवर्नर RGEB, जैसा डीजल लोको में PCS न्यूमेटिक कट ऑफ स्विच पड़ा हुआ है। जब भी बीपी प्रेशर किसी भी वजह से 2.8 kg के नीचे, 2.8 kg/cm² के नीचे चला जाता है तो PCS ऑपरेट होकर DMR को डीएनर्जाइज करवाता है, जिससे इंजन के RPM आइडल आते हैं, लोड मीटर जीरो हो जाता है। पढ़ा हुआ है नहीं? तो वही काम ऐसी लोगों में RGEB का है। यहां भी जब भी कभी किसी भी वजह से बीपी प्रेशर 2.8 kg/cm² से नीचे हो जाएगा तो ये RGEB ऑपरेट होता है। इसके ऑपरेट होने से ऑटो रिग्रेशन आता है, नाचेस बैक हो जाते हैं। अब जब नाचेस बैक हो जाएंगे तो लोड मीटर जीरो हो जाएगा। इसका आइसोलेटिंग टैग भी लगाकर रखा गया है, जैसा आपने लोगों में PCS का कटआउट टैग होता है वैसे RGEB का कटआउट टैग है।
ऑटो आइसोलेटिंग वाल्व कंजक्शन ब्रेकिंग को आइसोलेट करने के लिए, ऑटो आइसोलेटिंग वाल्व का प्रोविजन, कंजक्शन ब्रेकिंग नहीं चाहिए, फुट पेडल दबा दो। VEF वाल्व इलेक्ट्रो वाल्व फॉर फ्रिक्शन, जब हम A9 से ब्रेकिंग कर रहे हैं और फुट पेडल को दबाकर रखते हैं तो ये VEF वाल्व इनर्जाइज रहता है और इसके इनर्जाइज रहने से बीपी प्रेशर ड्रॉप होने के बावजूद कंजक्शन के लोको ब्रेक नहीं है। उसके बाद लिमिटिंग वाल्व लगा हुआ है यही। लिमिटिंग वाल्व का काम क्या रहता है, जब भी कभी हम बीपी ड्रॉप करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की मदद से कंजक्शन के लोको ब्रेक लगते हैं, लगते हैं नहीं लगते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का फंक्शन कैसा होता है कि जितना बीपी ड्रॉप किया जाए उसके 2.5 गुने प्रेशर भेजता है वो आगे। तो अगर हम 1 kg ड्रॉप कर देंगे तो 2.5 kg प्रेशर से ब्रेक लग जाएंगे, 2.5 kg/cm स्क्वायर से। लेकिन कंजक्शन के दौरान मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना अलाउड है, 1.8 kg/cm². तो उस प्रेशर को लिमिट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से निकलकर जो प्रेशर जा रहा है कंजक्शन ब्रेकिंग को ऑपरेट करवाने के लिए, उसके ऊपर ये लिमिटिंग वाल्व लगाकर रखा गया है और इसे 1.8 kg/cm² पर सेट कर देते हैं। यानी आप बीपी पूरा 5 kg भी ड्रॉप कर दो उसके बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो कंजक्शन के ब्रेक लगाएगा वो कितने प्रेशर से लगाएगा, 1.8 kg/cm², इससे ज्यादा प्रेशर से कभी नहीं लगाएगा। उसके लिए ये लिमिटिंग वाल्व है और ये भी TPN2 के अंदर लगाकर। तो इतने सारे ब्रेक सिस्टम के बाद TPN2 में मिलते हैं। और अगर कैब मॉडिफाई कर दी गई है, TPN1, 2, 3 हटा दिए गए हैं, तो ब्रेक सिस्टम के सारे वाल्व जो हैं लोको पायलट के पीछे कॉरिडोर नंबर 1 की तरफ पैनल के ऊपर लगाकर दिए गए, पैनल माउंटेड ब्रेक सिस्टम बनाकर दे दिए गए। बात समझ में आई, कोई सवाल है इसमें, किसी का कोई सवाल? तीसरा पैनल हमने पढ़ा था TPN3। तो ये TPN3 हमने देखा था कैब 1 में ALP के पीछे था, जिस साइड ALP खड़े होते हैं यानी कैब 1 में राइट साइड। तो राइट साइड में TPN3 के अंदर हमने आपको बताया था कि ऊपर वाला पोर्शन 2 पोर्शन में बटा हुआ है या बीच में पार्टीशन है, ऊपर वाला पोर्शन खाली रहता है। तो इस खाली पोर्शन में लोको पायलट ALP अपने बैग वगैरह लग रहते हैं, उसको रखने की जगह मिल जाती है। और नीचे वाले पोर्शन में हैंड ब्रेक असेंबली लगी रहती है जिसे ऑपरेट करके हम खड़ी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाने का काम करते हैं ताकि लोको रोल। और अगर ये मॉडिफाई कर दिया गया, हटा दिया गया, तो हैंड ब्रेक को उसी तरफ यानी कि कॉरिडोर नंबर 2 की ओर कैब 1 की दीवार पर पीछे की ओर लगाकर दिया। ठीक है, दूसरे फिगर में आप देखें, ये एक्चुअल फिगर है, ये सिंबॉलिक फिगर था, ये एक्चुअल फिगर है। ये आपको ER दिख रहा है, ये इसके ऊपर गेज दिख रहा है, ये नीचे MCP है, मोटर और ये कंप्रेसर दिख रहा है, ये इसका सेफ्टी वाल्व दिख रहा है, ये RGCP रेगुलेटर गवर्नर फॉर कंप्रेसर दिख रहा है, ये RAL काप दिख रहा है जो कि खुला हुआ दिख रहा है, हैंडल पैरेलल पाइप है, ये ZCP ये स्विच दिख रहा है 2 पोजीशन वाला 0 and 1, और ये सेंडर का मैग्नेट वाल्व दिख रहा है आपको सामने, वही वाल्व जैसे हमारे डीजल लोको में भी लगे रहते हैं, सेम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व है। और ऊपर ये VEPT वाल्व दिख रहा है पेंटो के लिए इलेक्ट्रो वाल्व। तो इसमें किसी का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नी क्वेश्चन, ये बेबी कंप्रेसर के बारे में बताया गया, ऑक्सिलरी कंप्रेसर है जो बैटरी की 110 वोल्ट DC सप्लाई से चलता है। आपको बताया था DC चलाना है तो हमारे पास बैटरी सप्लाई ही अवेलेबल है और वो 110 वोल्ट DC अवेलेबल रहती है, तो उसी से चलता है। इसकी पावर 8 kg/cm² से चार्ज करता है और अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो 8.5 kg/cm 8.5 kg/cm² का सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व ब्लो होना शुरू हो जाता है तो 8.5 kg से ज्यादा प्रेशर बनने ही नहीं। पावर रेटिंग 1 HP 1 HP की मोटर लगी हुई है। करंट कितना लेता है, 8.5 एम्पियर। कितने RPM से चलता है, 1500 RPM। और इसके अंदर जो बेरिंग लगी हुई है वो 6304C3 टाइप, इसका वो बेरिंग का टाइप है, कोड है,
वो बेयरिंग इसमें लगा कर रखे। तो इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, अपने को मालूम होना चाहिए कि बेबी कंप्रेसर कहाँ लगा है, स्विच कहाँ लगा है और कैसे चलेगा और चलने पर क्या काम करेगा। उसके बाद ZCPA स्विच देखें आप, तो नीचे ZCPA स्विच दिख रहा है, जीरो पोजीशन और वन पोजीशन। अगर अभी ये जीरो पर है तो काम नहीं कर रही है बेबी कंप्रेसर, वन पोजीशन पर रख देंगे तो बेबी कंप्रेसर या ऑक्सिलरी कंप्रेसर को सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी और कंप्रेसर काम करना चालू। रोटेटरी स्विच है दो पोजीशन वाला, ऑक्सिलरी कंप्रेसर मोटर का स्विच है MCPA का और नाम है ZCPA। इमरजेंसी रिजर्व है, बेबी कंप्रेसर से चार्ज होता है और RL का खुले रहने पर रिजर्वायर की हवा पेंटोग्राफ उठाने और डीजे क्लोज करने के लिए आगे सिस्टम में जाती है। इसका प्रेशर देखने के लिए इसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसमें हम इमरजेंसी रिजर्वायर का प्रेशर देख सकते हैं। RGCP रेगुलेटर गवर्नर फॉर कंप्रेसर, सेम वही जैसा हमारा EPG है वही काम करता है। हमारा EPG से हम लोडिंग अनलोडिंग कंट्रोल करते हैं, RGCP से हम कंप्रेसर की मोटर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, मोटर चले या बंद हो जाए। तो 8 kg प्रेशर होने पर मोटर को चालू करवाता है और 9.5 kg पर सेंटीमीटर प्रेशर होने पर MCP को बंद करवा देता है ताकि प्रेशर आगे ना बढ़े। और ये किसके थ्रू होता है? RGCP। सेंडर्स मैग्नेट वाल्व इलेक्ट्रो वाल्व है, बिजली की सप्लाई से ऑपरेट होते हैं, हवा को जाने का रास्ता देते हैं, जैसा डीजल लोको में लगे हुए हम सेंडर्स पुश बटन दबाते हैं तो सेंडर्स मैग्नेट वाल्व को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, ऑपरेट होते हैं और एयर को जाने मार्वल की हवा को जाने का रास्ता देते हैं जिससे हवा जाकर के सेंड को चक्के के नीचे गिरा वही काम। वन एंड टू और थ्री और फोर रहेंगे कैप दो की साइड, चार लगे रहते। VPT वाल पेंटो का वाल है, इलेक्ट्रोनिमेटिक वाल फॉर पेंटोग्राफ। ZPT की पोजीशन के अनुसार VPT 1 या VPT 2 को सप्लाई मिलती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और जब इसे ZPT की पोजीशन के अनुसार इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाएगी तो वाल्व ऑपरेट होगा और इस पे आने वाली हवा को रास्ता देगा। वो हवा आगे जाकर थ्रोटल वाल्व के थ्रू होती हुई पेंटो की सर्वो मोटर को ऑपरेट करती है और जब सर्वो मोटर ऑपरेट होगी तो पेंटो उठता है। तो कैप 1 के पीछे लगा हुआ है VPT 1 और कैप 2 के पीछे लगा हुआ है VPT 2। लिमिटिंग वाल्व हमने आपको बताया था, कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक सिलेंडर की लिमिट को, प्रेशर की लिमिट को 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स कर दें ताकि कंजक्शन ब्रेकिंग के दौरान उससे ज्यादा प्रेशर के ब्रेक किसी भी हालत में ना लगे, अदरवाइज व्हील स्किड हो। MU2B दो पोजीशन वाला लीड और ट्रेन, वर्किंग लोको में हमेशा लीड पर रखा जाता है, मल्टीपल में ट्रेलिंग लोको है तो ट्रेल पर रखते हैं या साथ में कोई डेड लोको अटैच है तो उसमें भी MU2B को ट्रेल पोजीशन पर रखा जाता है। F1 सिलेक्टर वाल्व, इसके बारे में भी चर्चा हो गई थी, इसका काम मल्टीपल यूनिट में लीडिंग लोको से ट्रेलिंग लोको में लोको के ब्रेक लगवाना और रिलीज करना, सिंगल लोको में इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। VEF वाल्व या ब्रेक आइसोलेटिंग इलेक्ट्रो वाल्व है, जब लोको पायलट PVEF पैडल, जैसा अपने लोको में फुट पैडल स्विच होता है ऐसे यहां PVEF है। मैग्नेट वाल फॉर फ्रिक्शन, कैसा? पुश बटन वाल, P फॉर पुश बटन, V इलेक्ट्रो वाल, F फॉर फ्रिक्शन ब्रेकिंग वाला। ब्रेकिंग के दौरान जब हम A9 से ब्रेकिंग कर रहे हैं और इस PVEF को दबाकर रखा है तो इसे दबाने से VEF वाल्व ऑपरेटेड रहता है और गाड़ी में लोको में कंजक्शन के ब्रेक आने नहीं देते। RGEB प्रेशर स्विच है, रेगुलेटर गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेकिंग, ठीक है? तो ये सेम डीजल लोको के PCS जैसा है, जब भी कभी किसी भी वजह से BP प्रेशर 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे चला जाएगा तो RGEB ऑपरेट होगा। इसके ऑपरेट होने से नॉचेस रिग्रेशन होगा, नॉचेस बैक होगी और पावर कट ऑफ हो जाएगा। नॉचेस जीरो हो गई तो पावर जीरो, ट्रैक्शन जीरो,
और गाड़ी में प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ब्रेक अपने आप लगे, गाड़ी खड़ी हो जाती है। वापिस 4.2 केजी होने पर नॉर्मल हो जाती है। एसडब्ल्यूसी रियोस्टेटिक ब्रेकिंग कट ऑफ प्रेशर स्विच या सिंक्रोनाइजिंग वर्किंग कट ऑफ स्विच कहलाता है। डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान SA9 द्वारा ब्रेक सिलेंडर में 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक प्रेशर होता है तब यह स्विच ऑपरेट होकर Q50 ड्रॉप होने से नॉच बैक होगा, इससे DVR के समय व्हील स्किप नहीं होगा। हमने आपको बताया जब हम डायनेमिक ब्रेक लगा रहे हैं उस दौरान लोको ब्रेक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो व्हील स्किप हो जाएगा। तो अगर हमने डायनेमिक ब्रेक लगाया और उस दौरान ब्रेक सिलेंडर प्रेशर किसी भी हालत में 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो ये SWC ऑपरेट होगा और उस दौरान Q50 रिले को डीएनर्जाइज करवा देगा। जब Q50 डीएनर्जाइज होगी तो क्या होगा, डायनेमिक कट ऑफ नॉट जस्ट ब्रेक। तो या तो डायनेमिक लगा लो या लोको ब्रेक, एक ही काम होगा, व्हील स्किडिंग से बचा। ये कुछ प्रेशर स्विचेस हैं जिनकी सेटिंग बताई गई। RGCP रेगुलेटर गवर्नर फॉर कंप्रेसर, तो इसकी सेटिंग क्या है, 8 kg पर क्लोज रहता है तो सप्लाई देता है, 9.5 kg पर ओपन हो जाता है, यानी कटिंग एट 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट ऑफ एट 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके ऊपर, MR प्रेशर। RGEB रेगुलेटर गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेकिंग, 4.2 पर क्लोज रहता है, पिकअप रहता है, बीपी प्रेशर 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होने पर ओपन हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, रेग्रेशन दिलवा देता है, नॉचेस बैक करवा देता है, टोटल लॉस ऑफ ट्रैक्शन करवा देता है। RGAF एयर फ्लो का रेगुलेटर गवर्नर, यदि किसी भी वजह से AFI की रीडिंग बढ़ जाए और वो बढ़कर 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, जो हवा बीपी को चार्ज करने के लिए लोको से जा रही है, इंजन से जा रही है, उसका चार्ज जो प्रेशर है वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो ये RGAF ऑपरेट होता है और इसका इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाता है, LSAF की बत्ती जलने लग जाती है। तो देखिए अपने इंडिकेशन लैंप में एयर फ्लो सिग्नलिंग लैंप, वो बत्ती जलना शुरू हो जाती है और वापिस जब बीपी चार्ज हो जाए और चार्जिंग रेट घटते घटते 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे कम हो जाए तो ये RGEF जो है RGAF नॉर्मल हो जाता है और LSAF की बत्ती का जलना बंद हो जाता है। SWC सिंक्रोनाइजिंग वर्किंग कटआउट का अभी हमने देखा था कि डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान यदि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो SWC ऑपरेट होकर डायनेमिक ब्रेकिंग को कट ऑफ करवाता है Q50 की मदद से, और जब ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 0.2 kg या उससे नीचे हो जाए तो SWC नॉर्मल हो जाए। P1 प्रेशर स्विच, ये ऑटो फ्लशर के अंदर आते हैं P1 और P2। P1 प्रेशर स्विच A9 के पोजीशन के अनुसार A9 से जो एडिशनल C2 के पोर्ट नंबर 2 तक प्रेशर जाता है उस पर लगा हुआ रहता है। जो हम A9 वाल्व ऑपरेट करते हैं तो एडिशनल C2 रिले के 2 नंबर पोर्ट पर जाने वाले प्रेशर को ड्रॉप करवाते हैं या रिक्रिएट करवाते हैं। तो जब भी कभी ड्राइवर साहब ब्रेकिंग करते हैं तो A9 वाल्व के हैंडल को रिलीज से मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस या ओवर रिडक्शन कहीं भी ले जाएंगे तो सबसे पहले एडिशनल C2 रिले वाल्व के 2 नंबर पोर्ट पर जाने वाला प्रेशर ड्रॉप होता है और उसी प्रेशर के ऊपर लगा हुआ है P1 प्रेशर स्विच। नॉर्मल कोर्स में हमारा बीपी कितना रहता है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A9 के हैंडल रिलीज पोजीशन पर रखने पर जो हवा का प्रेशर A9 के आउटलेट पोर्ट से निकलकर एडिशनल C2 रिले वाल्व के 2 नंबर पोर्ट तक जा रहा होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जा रहा होता है। लेकिन जब हम एप्लीकेशन जोन में आते हैं तो कल हमने देखा था मिनिमम रिडक्शन तो 0.5 ड्रॉप हो रहा था, फुल सर्विस पर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप हो रहा था, ओवर रिडक्शन में 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप हो रहा था और इमरजेंसी में पूरा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप हो जाता था। तो जैसे ही हम मिनिमम में भी गए 0.5 ड्रॉप हुआ तो बचा हुआ प्रेशर कितना रह जाता है, 4.5। तो जैसे ही 4.5 हुआ तो P2 पिकअप हो जाता, P1 पिकअप हो जाता। P1 जब भी पिकअप होता है तो ऑटो फ्लशर में हाफ टाइम रिले रिले लगी PR1 रिले, वो एनर्जाइज हो जाती है और जब तक वो रिले एनर्जाइज रहती है तब तक ऑटो फ्लशर सर्विस में नहीं है। इसीलिए